हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िला के सांगला के समीप खराला में बाढ़ आ गई लोगों के सेब के बागीचे इस बाढ़ की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ है इस बाढ़ में नेपाली मजदूर भी बाल बाल बचे इन मजदूरों ने रात को भागकर अपनी जान बचाई पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इन मजदूरों को रेस्क्यू किया गया किन्नौर जिला के सांगला घाटी में बटसेरी गांव के समीप खरोगला नाले में बाढ़ आने से बटसेरी गांव के ग्रामीणों के सेब के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा है खरोगला नाले में बाढ़ के चलते बसपा नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है जिस कारण नदी पर सिंचाई विभाग के मजदूर फंस गए हैं ये मजदूर अस्थाई आशियाना बनाकर कार्यस्थल पर रह रहे थे रात को इन मजदूरों ने बाढ़ आते ही जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाई सिंचाई विभाग के क्रेट लगाने में लगे नेपाली मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस व स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला जनजातीय जिला किन्नौर के, के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांगला के समीप खरोगला नाला में बाढ़ से जंगल और बरसेरी गांव के लोगों के सेब से लदे बागों को भी काफी नुकसान पहुंचा है पिछले वर्ष भी इसी क्षेत्र में बाढ़ आने ऐसी लोगो के सेब के बगीचे तबाह हो गए थे बटसेरी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात से ही खरोगला नाले में बाढ़ शुरू हो गई थी उन्होंने कहा कि सुबह होते ही पानी का बहाव तेज हो गया और ग्रामीणों के सेब के बगीचे तबाह हो गए घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार समेत मौके पर पहुंची। तहसीलदार सांगला जयचंद ने बताया कि इस बाढ़ के कारण करीब एक दर्जन लोगों के दो हेक्टेयर क्षेत्र में बगीचों को नुकसान पहुंचा है उन्होंने कहा कि नुकसान का आंकलन जारी है बटसेरी पंचायत के पूर्व उप प्रधान राकेश लोकटस ने बताया कि इस क्षेत्र को बार बार फ्लड आने से नुकसान पहुंच रहा है उन्होंने कहा कि लोगों के लाखों के सेब के बगीचे नष्ट हो रहे हैं उन्होंने सरकार से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है पिछले रात को जो खला नाले में जो फ्लड आया उससे हमारे बटसेरी के पाँच से सात लोगों का जो जमींदारों का जो फ्लड से नुकसान हुआ है पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन जमींदारों का जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए उनकी भरपाई के लिए समुचित कदम उठाए और दूसरी बात इस नाले में हर बार फ्लड आता है उससे लाखों का संपत्ति की नुकसान होता है तो हम चाहते हैं कि इस नाले को जिस जो फ्लड आ रहा है उसको देखते हुए इसका प्रॉपर चलेशन किया जाए और लोगों को बार बार जो सेब की फसल होता है उस बगीचों में घुसने से लाखों का नुकसान हो रहा है इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि सही तरीके से कार्य को किया जाए सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट